मस्जिदों के बढ़ते निर्माण का मुद्दा उन्होंने उठाया है। सार्वजनिक जमीनों पर मस्जिद निर्माण बड़ा तेजी से जांच की मांग की है। पश्चिमी दिल्ली से सांसद हैं प्रवेश वर्मा और उन्होंने इस चिट्ठी में ये लिखा है कि सार्वजनिक जगहों पर मस्जिदों के निर्माण हो रहे हैं जिससे लोगों को दिक्कत हो रही है, ट्रैफिक की समस्या बढ़ रही है, तो इसको संज्ञान में लिया जाए और इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये पत्र उन्होंने उपराज्यपाल को लिखा है। उनको कौन ये छूट देता है कि वो सरकारी जमीन, सरकारी पार्क, दिल्ली सरकार की जमीन के ऊपर में, सड़कों के ऊपर में, और न केवल मस्जिद, कब्रिस्तान भी बन रहे हैं वहां पे। जो पार्क है हमारे उत्तम नगर में, विपिन गार्डन में, पार्क के अंदर में फ्लड डिपार्टमेंट की जमीन के अंदर में कब्रें बनाए जा रही हैं, तो इनको कौन प्रोटेक्शन दे रहा है? दिल्ली का जब भी चुनाव आता है या दिल्ली में कोई भी चुनाव आता है, 15 साल शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री रही, अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं, तो जब भी चुनाव आएगा तभी दिल्ली में मस्जिद बनाने का सीजन शुरू हो जाता है। इस पर रोक लगनी चाहिए, ये मेरा सवाल है। मैंने एलजी साहब को कहा कि आप एक कमेटी बनाइए, वहां के लोकल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को हर जिले में उसका चेयरमैन बनाइए और सारे डिपार्टमेंट उसके मेंबर हों, और ये एक बार ये जांच हो जाए और ये सच जनता के सामने आना चाहिए कि 90% से ज्यादा मस्जिद वो सरकारी जमीन पर बनी है और 100% मंदिर और गुरुद्वारे वो डीडी अलॉटेड लैंड पर बने हैं। तो ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है? और जो 4 मंजिल मस्जिद बन चुकी है उसमें 2 मंजिल और डाली जा रही है। ऐसा हमारे यहाँ पे रघुवीर नगर में है, ख्याला में है, नजफगढ़ में है, उत्तम नगर में है, विकास नगर में है। तो साफ तौर पे प्रवेश वर्मा का कहना है कि सरकारी जमीन या फिर सार्वजनिक जगहों पर ये मस्जिद के निर्माण बढ़ रहे हैं और इससे लोगों को दिक्कत हो रही है। आपको बता दें, ये खत की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां उन्होंने लिखा है, मैं पूरी दिल्ली लेकिन खासकर मेरे संसदीय क्षेत्र पश्चिमी दिल्ली के कुछ खास भागों में सरकारी जमीन, सड़कों तथा एकांत स्थानों पर मस्जिद के तेजी से बढ़ने के एक खास तरीके के रुख से अवगत कराना चाहता हूं। एलजी को ये चिट्ठी उन्होंने लिखी है और उन्होंने कहा है कि क्योंकि ये मस्जिदें ऐसी जगह पर बनी है, लोगों को काफी दिक्कत हो रही है, ट्रैफिक की समस्या बढ़ रही है, तो इस पर कार्रवाई करने की मांग करते हुए प्रवेश वर्मा ने यह चिट्ठी लिखी है। जैसा आपने सुना, उन्होंने कहा है कि कमेटी का गठन किया जाए और अगर ये जो जमीनें हैं ये ऐसी जमीन है जहां से लोगों को परेशानी हो रही है तो इन मस्जिदों को हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाए। सुमित चौधरी हमारे सहयोगी जुड़े हैं हमारे साथ इस पर और बातचीत करने के लिए। सुमित, जिस तरह की भाषा यहां पर यूज की गई है, प्रवेश कह रहे हैं कि जब चुनाव का मौसम आता है तो ये निर्माण बढ़ जाते हैं, इसके पूरे पूरे राजनीतिक संकेत हैं। देखिए, निश्चित तौर पर राजनीतिक संकेत इस बात को लेकर भी है क्योंकि दिल्ली में आने वाले वक्त में विधानसभा के चुनाव होने हैं और प्रवेश वर्मा जानते हैं कि आखिरकार किस मुद्दे को किस तरीके से उठाना। हालांकि प्रवेश वर्मा ने ये बात खुद चिट्ठी लिखकर जाहिर की है और इसमें कई चीजें जो है मुद्दे वो उन्होंने सार्वजनिक किया कि सरकारी जमीनों के ऊपर जिस तरीके से इस तरीके की मस्जिद या फिर दूसरी जगहों का उन्होंने नाम लिया है वो निश्चित तौर पर इसको राजनीति से जरूर जोड़ता है। एक बार बताएंगे क्या कुछ लिखा है उन्होंने चिट्ठी में और क्या मांग की है? देखिए, अभी उन्होंने जो चिट्ठी लिखी है उसमें उन्होंने कहा है कि सरकारी जमीनों पर जिस तरीके से मस्जिदें या फिर ये दूसरी चीजें जो हैं वो बनती हैं उसको लेकर उन्होंने सवाल खड़ा किया। और खासतौर पर एक बात हमें समझनी होगी कि लगातार दिल्ली के अंदर जिस तरीके से जो राजनीति आपने देखा होगा लोकसभा चुनावों के बाद से ही, क्योंकि कहा जा रहा है कि जब अगले साल जब जो विधानसभा के चुनाव होंगे तब माना जा रहा है कि कई मुद्दे ऐसे हैं जो उठेंगे जिसको लेकर अभी से राजनीति गर्म होनी शुरू हो गई है। बिल्कुल सुमित, दूसरी बार चुन के आए हैं प्रवेश वर्मा, उनको एक युवा चेहरा भी माना जाता है, ऐसे में कहीं ना कहीं उन्होंने अभी से राजनीति शुरू कर दी है और वो नफ्स टोलनी शुरू कर दी है जिसकी वजह से उन्हें अगले साल फायदा होगा। देखिए, प्रवेश वर्मा दूसरी बार जरूर चुनकर आए हैं लेकिन राजनीति के अंदर वो काफी लंबे समय से रहे। उनके जो पिता थे वो खुद सीएम रहे, चीफ मिनिस्टर रहे दिल्ली के, और वो काफी लंबे समय से राजनीति में रहे। यही वजह है कि वो दिल्ली की राजनीति को क्या कुछ मुद्दे होने चाहिए या फिर क्या चीजें किस चीज की राजनीति वो ये अच्छी भांति समझते हैं। यही वजह है कि उनके ओथ लेने के अगले दिन ही इन्होंने चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में जिस तरीके से उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं ये जरूर आने वाले वक्त के अंदर एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहे हैं।
बिल्कुल सुमित, आप हमारे साथ रहे। एक स्ट्रांग मैसेज वैसे आपको बता दे, कल उन्होंने दिया था जब वो शपथ ले रहे थे तो उन्होंने बिना देखे पूरी कंठस्थ कर रखी थी, याद कर रखी थी शपथ उन्होंने ली थी, तब भी वो चर्चा में आए थे और आज फिर उन्होंने एलजी को ये चिट्ठी लिखी है जिसकी वजह से आज वो सुर्खियों में है। सुमित हमारे साथ बने रहिए। चलिए लोकसभा का रुख करते हैं। सबसे पहले वहां पर लोकसभा अध्यक्ष